रोहित के साथ क्यों गई थी। अब बस दूसरी और आखिरी गलती करनी होगी। कहीं मंशा हमें धोखा तो नहीं दे रही है ना? आप लोग प्लीज वैसे ही कीजिएगा जैसे मैं कहूंगी। रिया को अपने झूठ की सजा जरूर मिलेगी। रिया कल उठने वाले सवाल और भी बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। मुझे तो ये मैटर बहुत सीरियस नजर आता है। हमें सच सच बताओ कि कर्फ्यू वाली रात में मंशा कहाँ थी। मंशा मेरे साथ नहीं थी। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना बड़ा झूठ तुमने मेरे लिए अपने सिर पर, इतना बड़ा इल्जाम ले लिया। मंशा मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस बात का जरा भी गम नहीं है। इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। आज तो एक खतरा टल गया। तुमने झूठ के सहारे मुझे बचा लिया, लेकिन अगर कल ये सच्चाई सामने आ गई तो वो किसी तूफान से कम नहीं होगा रिया। हम सबकी नजरों से गिर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मंशा ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी गया ना तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, यू डोंट वरी। लेकिन रिया तुम इस तूफान को नहीं रोक पाओगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? डू यू ट्रस्ट मी? हाँ रिया। बस तो तुम सब भूल जाओ, लेकिन आज से हमें इस घर में एक ड्रामा करना पड़ेगा। ड्रामा? ये क्या कह रही हो तुम? आज से हम दोनों इस घर में एक दूसरे के दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन? ये कौन सा ड्रामा खेलना चाहती हो तुम? तुम्हें डर था ना उस आने वाले तूफान का? तो उस आने वाले तूफान को रोकने के लिए हमें इस घर में एक ड्रामा करना पड़ेगा। एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, और अभी इतना बड़ा झूठ। झूठ के सहारे हम सच्चाई को नहीं झुठला सकते रिया। मुझसे ये झूठा नाटक नहीं होगा, वो भी तुम्हारे साथ। मंशा तुम्हें विनय भैया की कसम, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। मैं ठीक कह रहा हूं, कर्फ्यू वाली रात मंशा मेरे घर रुकी थी, मैंने ही रोक लिया था उसे। और वो झूठ वाला ड्रामा सब एक प्लान था रिया का, मंशा को बचाने। जिस दिन ये झूठ पकड़ा गया उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा इस बात का अंदाजा है मुझे भैया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी वजह भी तुम ही हो। मेरी मंशा की जिंदगी तो। भाभी प्लीज, आप लोग प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती है कि मेरे दिल में मंशा के लिए फीलिंग्स है। मैं एक सच आप लोगों को बताना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं ये सच जानने के बाद आप लोग मेरी मदद करेंगे। भैया मैं मंशा से शादी करना चाहता हूं। मैं भी आप ही लोगों की तरफ से खुश देखना चाहता हूं। तुम खन्ना परिवार को अच्छी तरह जानते हो, जो कुछ भी हुआ उसे देखकर क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग फिर से मंशा की शादी करेंगे? मैं जानता हूं ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट्स पॉसिबल। रिया मेरा साथ दे रही है, मंशा का प्यार मेरे साथ है। अब बस जरूरत है तो आप लोगों के साथ की। मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। क्या मंशा भी तुमसे प्यार? अब तक उसने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल जानता है भाभी कि कहीं ना कहीं उसके दिल में मेरे लिए जगह है। लेकिन वो जगह विनय की है और विनय की ही रहेगी। पर जब तक मंशा के दिल में विनय है तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। नहीं भाभी, मैं विनय की जगह लेना चाहता भी नहीं हूं। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है।
मंशा को भी कहीं ना कहीं एहसास तो है कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगाना ये मेरा काम है और वो होके रहेगा। I'm sure। ठीक है रोहित, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं मंशा को कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। चलता हूं। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। कुछ तो वजह होगी रिया, इतना बड़ा झूठ बोलकर आखिर तुमने मंशा की इज्जत पर कीचड़ उछालने की कोशिश क्यों की? तुम्हारे इस झूठ की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। मंशा के साथ एक बार फिर बहुत बड़ा अन्याय हो सकता था। आखिर तुमने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? तुम्हारे उससे कोई दुश्मनी है? हाँ है। कैसी दुश्मनी, जरा मैं भी तो जानू। बोलो रिया, अगर वाकई कोई दुश्मनी हो तो बताओ मुझे। आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे और मंशा के बीच में कि तुम परिवार की इज्जत पर लांछन लगाने पर मजबूर हो गई? हमारी बेटी, खन्ना परिवार की बेटी, जिसका पालन पोषण संस्कारों की गोद में हुआ, जो परिवार के मान मर्यादों को अच्छी तरह समझती, वही इस परिवार की इज्जत पर दाग लगा रही है। मामा, मैंने खन्ना परिवार की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश नहीं की थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक रिवेंज। मैं मंशा से बदला लेना चाहती थी। कैसा बदला? मामा, मैं भी लड़की हूँ। आम लड़कियों की तरह मेरे दिल में भी ढेर सारे अरमान थे। मैंने भी बहुत सारे सपने सजा रखे थे, लेकिन मेरे सारे सपने पल भर में ही टूट गए, सब मंशा की वजह से। मेरे सारे सपनों को मंशा ने तोड़ा है। मंशा ने तुम्हारे सपनों को तोड़ा? कैसे रिया? मैं रोहित से प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। और मामा, मेरी रोहित से मंगनी भी हुई थी, लेकिन मंशा की वजह से रोहित मंगनी तोड़कर चला गया। वो आज भी मंशा से प्यार करता है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। और इसीलिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोलकर मंशा को बदनाम करने की कोशिश की? हाँ रिया, मैं ये कैसे मान लूं? जिस मंशा के लिए तुमने हमसे इतने लड़ाई झगड़े की, उसी मंशा के लिए अचानक तुम इतनी कठोर हो गई? अचानक कुछ भी नहीं हुआ है मॉम। I was just waiting for the right time। सही मौके की तलाश थी मुझे। यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही रिया हो जिसने मंशा को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। वक्त वक्त की बात है मामा। जब दिल पर चोट लगती है ना, तो इंसान ही बदल जाते हैं। सारे रिश्ते नाते खोखले लगते हैं। I just don't want to talk about this anymore। मंशा के साथ अब जंग छिड़ चुकी है। मामा, everything is fair in love and war। आज रिया ने मेरे लिए अपने सिर पर बहुत बड़ा इल्जाम ले लिया। मुझे बचाने के लिए, सिर्फ मुझे बचाने के लिए वो सबकी नजर में झूठी बन गई। उसने अपने आप को बहुत बुरी तरह से उलझा लिया है और अब वो एक और बड़े झूठ का नाटक खेलना चाहती है मेरे लिए। एक वो ही तो है जो मेरी दोस्त है, जो मेरा दुख दर्द समझती है, जो हर पल मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हें बताओ विनय, मैं क्या करूं? मैं उसने मुझे तुम्हारी कसम देकर रखी है, मैं क्या करूं?
मंशा अभी भी रो रही हो बेटे? रिया की नादानी की वजह से हम सब ने तुम्हें बहुत दुख दिए। मुझे अभी भी गुस्सा आ रही उसकी नादानी पर। पर बेटे तुम तो समझदार हो, माफ कर दो उसको। नहीं मां, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं मानती हूं उसकी गलती माफ करने लायक भी नहीं है, बहुत घिनौना काम किया उसने। फिर भी आप उसकी गलती को नादानी का नाम दे रही है। मंशा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। उसने रोहित से सगाई टूटने वाली बात को अपने दिल में जख्म बनाकर रखा था। वो तुमसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि अपने दुखों की वजह वो तुम्हें समझती है। अगर वो मौका देकर हमदर्दी का नाटक करके मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। मौका सबको मिलता है माँ। आखिर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा मंशा? क्यों, रिया को क्या फायदा हुआ था? मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी इस हद तक दुश्मनी पाल सकती है। अपनेपन का नाटक करने वाले इसी अंदाज में जहर उगलते। बेटा क्या तुम उसकी इस नादानी को माफ नहीं कर सकती? हरगिज नहीं। देखा रिया, तुम्हें आफ्टर ऑल मंशा की सच्चाई पता चली गई ना। शक्ल से तो कितनी भोली लगती है लेकिन है बहुत शातिर दिमाग की। कैसे एक ही झटके में उसने तुम्ही को गलत प्रूफ कर दिया, सबकी नजरों में सारा का सारा दोष तुम्ही पे डाल दिया। आज नहीं तो कल मुझे भी मौका जरूर मिलेगा, तब उसे बताऊंगी कि शातिर दिमाग होता क्या है। इट्स जस्ट द बिगनिंग, इसे खत्म मैं ही करूंगी। रिया आज से तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। जानती हूँ भाभी, वो अपनी रोनी शक्ल बनाकर बाजी पलट देती है, लेकिन उसी से सीखा है मैंने कि बाजी कैसे जीती जाती है। आई नो हाउ टू विन। वेरी गुड, आई एम ऑलवेज विद यू। इस मंशा को तो सजा मिलनी ही चाहिए, इस घर की मान मर्यादा का तो उसे कुछ ख्याल ही नहीं है। तभी तो सारा दिन सारी रात घर से गायब रही, और वो भी दिया को अकेली छोड़कर। भाभी मंशा को तो अब चैन से मैं रहने नहीं दूंगी इस घर में। वैसे तुमने क्या कुछ नहीं किया ना इसके लिए, हर कदम पर तुमने मंशा का साथ दिया। और देखो आज उसी ने मम्मी पापा के सामने तुम्हें नीचा दिखा दिया। आप देख लेना, जिस सच को उसने झुटला दिया है ना, वही सच सामने जरूर आएगा और जल्दी आएगा। वो तो है, लेकिन ये मंशा बहुत ही टेढ़ी चीज है, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अब तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा भाभी। अब आएगा मजा, रिया की नफरत से मंशा का जीना अब हराम ही हो जाएगा। हेलो मंशा, रोहित बोल रहा हूँ। अब और क्या चाहते हो रोहित? तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार में गुनहगार बन गई थी। मंशा मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र करना छोड़ दो रोहित, और आइंदा से मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी वजह से मुझे ही नहीं बल्कि रिया को भी बहुत कुछ। प्लीज मंशा मेरी, रहने दो रोहित, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। एक रिया ही इस परिवार में मेरी दोस्त थी, आज वो दोस्ती भी नहीं रही। क्या ये क्या कह रही हो तुम मंशा? सच कह रही हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से रिया और मेरे बीच दुश्मनी हो गई है। और मुश्किलें मत बढ़ाओ रोहित, वो कौन से आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मंशा और रिया के बीच
ऑल द बेस्ट। मामा प्लीज जल्दी आइए ना, मुझे देर हो रही है। नहीं माँ, देर तो मुझे हो रही है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए ना माँ। मामा प्लीज जल्दी, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपके लिए। चले। ये सब क्या तमाशा लगा रखा तुम दोनों ने, जल्दी आओ जल्दी आओ। कहाँ जाना है तुम्हें? मामा मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, और आप मेरे साथ चलिए। नहीं माँ, आप मेरे साथ मंदिर चलेगी, आप तो जानती है ना मैं अकेली नहीं जा सकती। मॉम आप मंदिर नहीं जाएंगी। ये सब क्या है रिया, तुम्हारा शॉपिंग का तो कोई प्लान नहीं था, फिर अचानक कैसे बन गया? मामा इट वॉज प्लान, बस वो मैं बताना भूल गई थी। माँ शॉपिंग के लिए तो कल भी जा सकती है ना, आप मेरे साथ आएगी। मंदिर भी कल जाया जा सकता है, और मामा मंदिर तो घर में है ना, पूजा वहां पर भी तो हो सकती है। तुम दोनों झगड़ना बंद करोगी? मामा आप मेरे साथ चलिए प्लीज। रिया तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो, शॉपिंग के लिए अकेली जा सकती हो। मामा आपकी बहू भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, दिन भर के लिए बाहर रह सकती है, वो भी अपनी नन्ही सी दूध पीती बच्ची को घर में छोड़कर, रात भर घर नहीं आ सकती। अगर आपकी बहू इतनी बेफिक्र है तो वो मंदिर अकेली जा सकती है ना। चुप करो रिया, और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे भी कह रही हूं मंशा, मैं तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाऊंगी। और तुम दोनों के बीच ये जो कुछ भी चल रहा है ना, जल्द खत्म हो जाना चाहिए। ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझे तुम दोनों? अगर ऐसा है तो इस घर की शांति के लिए अच्छा नहीं है। मंशा और रिया की ये दुश्मनी कोई सिंपल बात तो है नहीं। हाँ लेकिन अब इसमें क्या किया जा सकता है, अगर रिया और मंशा ने मम्मी जी के सामने ही खुलेआम झगड़ना शुरू कर दिया है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। ये सब उन दोनों को सिर पे चढ़ाने का नतीजा है। अरे मैं मानती हूँ कि रिया काफी चाइल्डिश है, इतनी मैच्योर नहीं है, लेकिन मंशा तो इस घर की बहू है ना, उसे तो समझना चाहिए कि इस घर की शांति के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। रिया को इस मामले में समझाना पड़ेगा, क्योंकि मंशा को समझाने का तो कोई फायदा नहीं है, उसे तो आजकल किसी की बात ही समझ नहीं आती है, बहुत बदले हुए हैं उसके तेवर, और वैसे भी वो रिया की कट्टर दुश्मन बन गई है। कविता ये सब इस घर में नहीं चलेगा। क्या चलेगा और क्या नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा, वैसे आजकल काफी कुछ चल रहा है इस घर में, लेट्स सी। तुम क्या ताने मार रही हो? मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मंशा की बात का बतंगड़ तो अक्सर बनता है, लेकिन वो बड़े प्यार से सब में से निकल जाती है। मतलब? अरे देखना अब जिस दिन ये रिया वाली बात को लेकर मंशा पर ये बात भारी पड़ेगी ना, मंशा उस दिन अपने आप को बहुत प्यार से बचा लेगी और यही कहेगी कि रिया ही उसकी दुश्मन है, वो रिया की दुश्मन नहीं है। ये खन्ना परिवार का घर है, कोई पार्लियामेंट हाउस नहीं है जहाँ राजनीति चलेगी। जिसे भी इस घर में रहना है उसे इस घर के डिसिप्लिन के दायरे के अंदर रहना होगा। मंशा के लिए इस घर के डिसिप्लिन का क्या मतलब है, उसका नमूना तो मैं देख ही चुकी हूँ, हम सभी को मालूम है। और रही बात रिया की, तो रिया के लिए तो इस घर का डिसिप्लिन ये तो बचपन की आदत है ना? तुम्हें तो बस बोलने का एक मौका चाहिए है ना? देखो मुझ पे गुस्सा होने से अच्छा ये होगा कि तुम जाके रिया और मंशा को समझाओ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। रिया कब तक हम ये झूठ का नाटक करेंगे, मुझसे बोर नहीं होता। मैं जानती हूँ ये नाटक करते वक्त, तुम्हारे खिलाफ बोलते वक्त मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। एक झूठ को छिपाने के लिए हम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, और तो और एक दूसरे पर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। वी हैव टू फेस इट मंशा। कैसे रिया कैसे, एक ही घर में रहकर, एक ही छत के नीचे रहकर हम ये झूठ मूठ का नाटक कब तक खेलेंगे? रिया तुम्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तुमने विनय भैया की कसम ली है, तुम उस कसम को भूल तो नहीं रही हो ना? मंशा प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट, हमें ये नाटक तब तक करना है जब तक ये सारा मामला ठंडा ना पड़ जाए। यही तो डर है रिया, ये मामला ठंडा होने से पहले इसकी आग तेज हो गई तो, इस झूठ की भनक किसी को लग गई तो, रिया
कविता भाभी भी मेरे खिलाफ हो चुकी है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये दुश्मनी का नाटक जल्द ही खत्म कर दूंगी। जिस तरह मैंने ये दुश्मनी की सिचुएशन क्रिएट किया है, वैसे जल्द ही मैं दोस्ती की सिचुएशन क्रिएट कर दूंगी। जस्ट रिलैक्स। हाँ,